टाटा IPL 2023 मैच नंबर 3 हम पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर यानी कि लखनऊ बनाम दिल वालों का शहर यानी कि दिल्ली। और आज का मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला लखनऊ जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स। मजा आएगा इस मुकाबले में क्योंकि ऋषभ पंत है नहीं तो डेविड वार्नर करने कप्तानी, सामने होंगे KL द राहुल की टीम। मजा आएगा इस मुकाबले में। सिक्का उछला गिरा डेविड वार्नर के पक्ष में, टॉस जीतकर उन्होंने कहा है कि हम करेंगे पहले बल्लेबाजी यानी कि लखनऊ करेगी पहले गेंदबाजी। और गेंदबाजी के लिए लाए गए हैं आवेश खान, बढ़िया रहा था पिछला साल, और पृथ्वी शॉ। इस बंदे का कद छोटा है लेकिन नाम बहुत बड़े हैं, और नाम में भी शॉ, काम से भी शॉ। पहली गेंद और पैरों पर गेंद है, डॉट गेंद के साथ शुरुआत की गई है। इस बार सामने की तरफ ये तोहफा था जिसको दोनों हाथों से कबूल किया है, चौका बटोरा है। इस बार बिल्कुल फिर से आगे वही लेंथ रखी है और एक बार फिर से खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एक और चौका मिलेगा यहाँ पर। पृथ्वी शॉ ये कमाल का शॉट लगाया, ये शॉट दिखाना स्टार्ट कर दिया है आवेश खान, और एक बार फिर से लेंथ आगे रखी है, गेंद पैरों की तरफ थी तो ऑफ साइड की ओर, बेहतरीन चौका है, ड्राइव नहीं कह सकते पर इसको, ये फंस गए हैं सामने। यही कमजोरी रहते हैं यहाँ पर कि सामने की तरफ जब जब गेंद आती तब तब ये फुल लगाने के चक्कर में गंवाते हैं अपनी विकेट। और एक बार फिर से फुल लगाने गए लेकिन कद छोटा होने की वजह से वो फुल में उतनी ताकत मिली नहीं, और पृथ्वी शॉ थोड़े से निराश होंगे 18 रन बना कर जाते हुए पवेलियन की ओर। नए बल्लेबाज मनदीप सिंह आए बल्लेबाजी करने के लिए, अब आवेश दुश्मन चमीरा, और ये कवर्स के ऊपर से मारा है, आते ही स्वागत किया है चौके के साथ दुश्मन चमीरा। ये अपील की गई है, थिम साइफर्ट नहीं, यहाँ पर नॉट आउट करार दिया गया है और राहुल ने रिव्यू भी लिया है, और ये आवाज़ आई है हॉटस्पॉट से, अब पूरा मामला देखना पड़ेगा। और ये आवाज़ तो आई है यानी कि विकेट मिल गया है, और लखनऊ में थोड़ी सी खुशी, यहाँ पर थिम साइफर्ट आउट 7 रन बना के, थोड़ी निराश होंगे। ऋषभ पंत आए बल्लेबाजी करने के लिए रवि बिश्नोई, और नहीं एक बार फिर से आगे की तरफ गेंद रखोगे तो फिर ये मैदान उतना बड़ा नहीं है, 6 देकर जाएगा रवि बिश्नोई। एक बार फिर ये नहीं, आप बार बार आगे की तरफ लेंथ डालोगे तब तब आप पे ये शॉट लगेंगे। कुणाल पांड्या, ये तो एक बार फिर तोहफा दिया था जिसको फिर से दोनों हाथों से कबूल किया है रवि बिश्नोई। छोटी गेंद नहीं डाली है बार बार इनको, एक बार फिर से खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चौका मिलेगा यहाँ पर, और गलती कर रहे हैं यहाँ पर, और जब जब इनको तब आगे गेंद डाल रहे हैं तब तक ये चौके मार रहे हैं, और थोड़ा फील्ड में बदलाव करना भी ज़रूरी है इस वक्त। पावर प्ले ख़त्म हो चुका है, 7 ओवर का खेल हो चुका है, मनदीप सिंह स्ट्राइक पे 31 पर खेल रहे हैं। आज तो इनकी थोड़ी सी तारीफ कर लीजिए क्योंकि ये डगआउट से सेट होकर आए हैं, जब से आए तब से चौके छक्के मारे जा रहे हैं, और रवि बिश्नोई पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ यहाँ पर क्योंकि ये बहुत महंगा ओवर जाता हुआ, 4 गेंदें ऑलरेडी हो चुके हैं इस ओवर में, 65 पर 2 है अभी, और ये हवा में शॉट है, क्या फील्डर नीचे आएंगे? जी नहीं, फील्डर आगे की तरफ ड्राइव मार सकते थे, बेहतर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सेफ रहेंगे। और 5 गेंदें हो चुकी हैं, 66 पर 2 है, और ऋषभ पंत को देखा गया, जब जब आगे तरफ गेंद मारती तब तक एक हाथ छोड़ के वो सिक्स मार देते हैं रवि बिश्नोई। आगे तरफ गेंद रखेंगे और बल्ला जोर से घुमाया है लेकिन उतनी ताकत नहीं कि चौका देकर जाएगी, फील्डर हैं उधर, 2 से संतुष्ट रहना पड़ जाएगा, 2 मिलेंगे। पूरे समाप्त ओवर 67 रन बनाए हैं दुश्मन चमीरा के हाथ में, फिर से एक बार गेंद, 8 ओवर हो चुके हैं, 68 रन बनाए हैं, 2 विकेट गंवा दिए हैं, और रिक्वायर रन रेट अभी भी 9.50 का है दुश्मन चमी। ये तो एक बार फिर किया है गेंद को चौके में तब्दील, वाओ वाओ वाओ, जब जब ऐसी बल्लेबाजी देखते हैं हम तब तब दिल खुश हो जाता है, और कमाल की यहाँ बल्लेबाजी। और रवि बिश्नोई पर उतना थोड़ा प्रेशर भी होगा क्योंकि पहला मैच खेल रहे हैं आप, उतना अच्छा आपको संपर्क नहीं होगा, लेकिन इस बार गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर, 6 रन्स खाते में दर्ज कीजिए आप। और छोटे गेंद पे आज काफ़ी बल्लेबाजों ने छक्के चौके काफ़ी लगाए हैं क्योंकि मैदान उतना बड़ा है नहीं, आप छोटी गेंद डाल नहीं सकते रवि बिश्नोई, और आगे की तरफ भी नहीं डाल सकते क्योंकि फिर आप ऐसे हवा में फ्लाइट कर सकते हो, चहल नहीं है, आप चहल होते हैं तो हवा में फ्लाइट कर देते हैं, वो गेंद को घुमाते हैं, अतिरिक्त उछाल देते हैं, लेकिन ये उस प्रकार की पिच नहीं है, ये लखनऊ की पिच है तो फिर थोड़ा सा माहौल आपका उल्टा पुलटा पड़ेगा। घर में ये मैच खेल रहे हैं अपना, एक बार फिर ऋषभ पंत ने बल्ला घुमाया, ताकत नहीं है, चौका देकर नहीं जाएगी, फील्डर तक रहेगी, 2 रन चुरा लेंगे, 68 8 के बाद 68, 2 विकेट के नुकसान पे DC दुश्मन चमीरा के हाथ में। एक बार फिर से गेंद दी गई है
जसवंत चमीरा उतनी अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी तो उतनी अच्छी कर नहीं रहे क्योंकि अभी थोड़े से चोटिल थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलकर आए हैं। रवि बिश्नोई ये फिर से एक बार पैरों की तरफ गेंद, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसी गेंद बार बार डाल नहीं सकते, इनको चौका मिलेगा फिर से एक बार। और आज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है यहाँ पर दिल्ली के बल्लेबाजों ने। रिक्वायर रेट फिर भी आपका 10% पहुँच गया 75 गेंदों में, अभी भी 123 रन चाहिए और पीछे हैं अभी काफ़ी, विकेट दो गवा दिए हैं। इस बार पाले में गेंद आई है, वो पार्किंग वाले लॉट में गेंद गई है, 6 रन देकर गई है। और कमाल की बल्लेबाजी मनदीप सिंह, यंगस्टर प्लेयर, आईपीएल में काफ़ी अच्छे मौके मिले हैं और डोमेस्टिक लीग को इन्होंने भुलाया नहीं है। और मनदीप सिंह, रवि बिश्नोई एक बार फिर से सामने की तरफ शॉट लगाया है, फील्डर मौजूद रहेंगे और सिंगल संतुष्ट, और ऋषभ पंत आएंगे स्ट्राइक पे। और ऋषभ पंत की ये खास बात रही है कि जब जब लेग स्पिनर को अगर आप डिफेंड करते हो या फिर सामने से खेल रहे हो तब वो एक हाथ छोड़ के मार देते हैं, ये उनका एक फेवरेट शॉट लगा है मुझको। और यहाँ पर इस बार फिर से बल्ला घुमाया लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 रन ले लेंगे 8 ओवर की समाप्ति, 68 2 विकेट नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स। ये एक अच्छा गेम देखने को मिल रहा है। दुश्मंता चमीरा एक बार फिर से आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सॉरी यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए। दुश्मंता चमीरा के पास सब पेस है, विकेट निकाल सकते हैं, वो अतिरिक्त उछाल दे सकते हैं। एक बार फिर किया है गेंद को चौके में तब्दील, आगे की तरफ लेंथ रखोगे तो फिर चौका से आप बच नहीं पाओगे। चौका 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 मनदीप सिंह, अच्छी बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर, लेकिन 2 विकेट गंवा दिए दिल्ली ने। तो फिर थोड़ी तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर लखनऊ के गेंदबाजों की भी, एक बार फिर से अगर पैरों पर तारीफ़ करने की बात कर रहे थे लेकिन ये 6 देकर जाएगी। और रवि बिश्नोई वो पैरों पर गेंद डाले, नन्ना सा ये मैदान है उस पर छक्का लग जाता है और आप ऐसी गलती कर नहीं सकते। छोटी गेंद और आप बिल्कुल आगे की तरफ गेंद जो बिल्कुल स्विंग ना करे ऐसी गेंद आप डाल नहीं सकते और वो डाल रहे हैं बार बार। एक बार फिर से वही गेंद डाली, हवा में फ्लाइट कर रहे हैं, आप चहल बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर कोई बंदा वो चहल नहीं होता है और वो समझना होगा हर किसी को। लेकिन रवि बिश्नोई यंगस्टर गेंदबाज फ्यूचर के लिए भारत के एक सफल लेग स्पिनर बन सकते हैं क्योंकि अभी चहल का करियर अभी ज़्यादा दूर भी नहीं है और अभी रवि बिश्नोई बहुत लंबा इनको क्रिकेट खेलना है, अभी इंटरनेशनल में भी खेलना है, इंटरनेशनल में डेब्यू तो हो चुका है लेकिन अभी आपको बहुत आगे तक गेम ले जाना है। और यहाँ पर वही यहाँ पर थोड़ी सी चल रही होगी लेकिन 8 ओवर की समाप्त, 68 2 विकेट नुकसान पे। एक फास्ट बॉलर पे उतना ज़्यादा दबाव नहीं होता लेकिन उतना एक लेग स्पिनर पे दबाव होता है क्योंकि वो अंतिम ओवर्स में विकेट निकालने इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से ख़राब गेंद, यहाँ पर चौका मिलेगा यहाँ पर आसानी से। और रवि बिश्नोई कमाल की गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं अभी, हालांकि विकेट भी नहीं निकाला इन्होंने और गेंदबाजी तो फिलहाल ठीक ठाक चल रही है अभी, और उतनी हम कह भी नहीं सकते। 7.3 ओवर का खेल हुआ है अभी, 75 गेंदों में 123 रन चाहिए। ये ऊपर की तरफ गेंद थी, 6 देकर जाएगी। वाओ मनदीप सिंह कमाल की बल्लेबाजी चल रही है अभी यहाँ पर, और कह सकते हैं एक तरीके से ये एक हाइलाइट्स दिखा रहे हैं हम लोगों को। 7.4 ओवर खेल, 65/2 मनदीप सिंह ऑन स्ट्राइक, हवा में गेंद गई है, क्या कैच के लिए कोई आएगा? जी नहीं, कैच के लिए तो कोई नहीं आया लेकिन वो सिंगल मिल जाएगा, ऋषभ पंत आ जाएंगे स्ट्राइक पर। और ऋषभ पंत आएंगे इसका मतलब रवि बिश्नोई को फेस करना पड़ेगा, उनको अच्छे से गेंद डालनी पड़ेगी क्योंकि ऋषभ पंत अमून फंस जाते हैं लेग स्पिनर पर, लेकिन अभी फंसे नहीं है। बल्ला को जोर से घुमाया था बल्ला लेकिन उधर फील्डर हैं और 2 रन ले लेंगे। और 2 के साथ अंतिम ओवर के बाद स्ट्राइक जो रहेगी वो रहेगी मनदीप सिंह के हाथ में, और फास्ट बॉलर फिर से आएंगे और वो विकेट की उम्मीद रखेंगे।